हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविल्स किचन। फ्रेंड्स, पाव भाजी हम सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन जब हम पाव भाजी बनाते हैं तब प्रॉब्लम ये आती है कि उसका टेस्ट प्रॉपर मार्केट वाला नहीं आता। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसी टेस्ट वाली पाव भाजी, वो भी बिल्कुल 10 मिनट में कुछ सिंपल ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी को जल्दी से बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कुकर में डाले हैं 1/2 कप आलू, 1/2 कप बैंगन, 1/2 कप गाजर और 1/2 कप मटर। इसी के साथ मैंने यूज़ किया है 1/2 कप गोभी, 1/2 कप शिमला मिर्च और 1/2 चुकंदर। चुकंदर डालने से फ्रेंड्स हमारी पाव भाजी का कलर बहुत अच्छा आएगा और हमें किसी भी फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और इसे 2 सीटी आने तक प्रेशर कुक करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारी सब्जियां कुक होंगी जब तक हम इसकी बाकी की तैयारी कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपना कुकर खोल के देखते हैं कि हमारी सब्जियां कुक हुई हैं नहीं। फ्रेंड्स, हमारी सब्जियां कुक हो गई हैं। अब यहां पर हम इन सब्जियों को 70% तक मैश करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्जियां 70% तक मैश हो चुकी हैं और हमारी बाकी की भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने पाव भाजी बनाने के प्रोसीजर की तरफ। फ्रेंड्स, यहां पर मैंने एक कढ़ाई फ्लैट तले वाली यूज़ की है। इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल और 2 टेबल स्पून बटर। फ्रेंड्स, ऑयल मैंने इसलिए डाला है जिससे हमारा बटर ना जले। फ्रेंड्स, हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पेस्ट होममेड यूज़ किया है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अब हम इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाले हैं 2 मीडियम साइज के प्याज। फ्रेंड्स, प्याज को अच्छी तरीके से चलाते हुए 2 मिनट तक भूनें। देखिए फ्रेंड्स, प्याज अच्छी तरीके से भुन गया है, इसने अपना ऑयल रिलीज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगी अब अपना पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डालें और इसे अच्छी तरीके से चलाते रहें। फ्रेंड्स, पाव भाजी मसाला भूनने के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा पानी। फ्रेंड्स, पानी के डालते ही आप देखेंगे कि आपका मसाला अच्छी तरीके से भुन रहा है और प्याज भी खिलना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा सा डालें। थोड़ा सा पानी डालें और इसे चलाएं, जिससे आपका मसाला अच्छी तरीके से अपना फ्लेवर को छोड़ देगा और आपकी पाव भाजी बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। हमारा पाव भाजी मसाला और प्याज अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने यूज़ करी है 4 टमाटर की ग्रेवी। फ्रेंड्स, आप टमाटरों को कट करके भी यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अपनी पाव भाजी की ग्रेवी को अच्छी तरीके से भूनिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पाव भाजी मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है और इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च और 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। फ्रेंड, कसूरी मेथी का टेस्ट पाव भाजी में बहुत ही अच्छा आता है और इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। उसके बबाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी और फिर इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। फ्रेंड्स, पानी डालने से हमारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन जाते हैं और उनका टेस्ट भी खिलना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से भुन गई है। अब हम इसमें अपनी मैश करी हुई वेजिटेबल्स को मिलाएंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे और अच्छे तरीके से मैश करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्जियां अच्छी तरीके से कुक हो गई थी और मैश भी हो गई थी। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम मैश करने में नहीं लगेगा और हमारी पाव भाजी जल्द ही बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, पाव भाजी को 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक करें। अगर इस स्टेज पर आपको पानी कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और मिला लें। 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। फ्रेंड्स, हमारी मार्केट जैसी पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे और सेकेंगे अपने पाव। यह मैंने मीडियम फ्लेम पर तवे को गरम कर लिया है और उसमें डाला है 1/2 टेबल स्पून बटर। उसके बाद बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब पाव को हम इसमें अच्छी तरीके से सेकेंगे। आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा बटर का यूज़ कर सकते हैं। पाव को अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए सेकें। हमारी भाजी भी बिल्कुल तैयार है और हमारे पाव भी सिक गए हैं। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी मुंबई स्टाइल पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आप मेरी पाव भाजी की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।